पिच बिहार आपको लिए चलेंगे। वहां से बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज ये कि बिहार की राजधानी पटना से खबर है जहां सीएम आवास के बाहर सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बैठक चल रही है और बैठक के दौरान एक व्यक्ति सीएम आवास के बाहर पुतले में आग लगा दी। उसने पुतले में आग लगाने के साथ ही वो शख्स पटना पुलिस आया है के नारे लगाता हुआ नजर आया और ये उसके बाद से प्रशासन जो है वहां सुरक्षा व्यवस्था जो होती है वो अलर्ट मोड पर आए और उसको हिरासत में लिया गया। घटना के वक्त देखिए जरा पटना में सीएम आवास की सुरक्षा में ये चूक, बैठक चल रही है हाई प्रोफाइल। और इसके पहले रोहित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या ये मामला क्या बताया जा रहा है, क्या है? देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अणे मार्ग पर एनडीए की बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा एक कह सकते मंथन चल रहा है। तमाम पार्टी के नेता, विधायक, सांसद सभी मौजूद हैं और इसी बीच सीएम हाउस के बाहर एक व्यक्ति थोड़ी देर पहले जो है वो पहुंचता है और एक पुतले में वो आग लगा देता है और उसके बाद वो पटना पुलिस हाय हाय के नारे लगाता है। और जब ये सब कुछ हो रहा था, ये हाई प्रोफाइल ड्रामा उस वक्त चल रहा था जब ये पुतले में आग लगा रहा था, तो सीएम सिक्योरिटी आप समझ सकते हैं गेट के बाहर कितनी ज्यादा संख्या में तैनात थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें एहसास नहीं हुआ कि ये व्यक्ति कुछ ऐसा करने वाला है और उन्हीं के सामने यानी कि मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर इस व्यक्ति ने पुतले में आग लगाया और फिर आनंद फानंद में जो सुरक्षा कर्मी है वो वहां पर मौके पर पहुंचे, उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और वो लगातार हाय हाय के नारे लगाते हुए कह रहा था कि किसी ने हत्या करा दी उसके परिवार में और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। इसको लेकर जो उसकी नाराजगी थी और फिर आनंद फानंद में जलते हुए पुतले को लेकर पुलिस वहां से जो है उसको किनारे लगाया और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री आवास जहां पर इस वक्त एक हाई प्रोफाइल बैठक, बिहार के तमाम सांसद, विधायक, एमएलसी, नेता, बड़े लोग मौजूद इस वक्त है और मंथन चल रहा है चुनाव पर, उसके बाहर घर के बाहर इस तरीके की बड़ी घटना जो है वो कहीं ना कहीं सीएम सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला है। आशुतोष, बिल्कुल रोहित, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।